नंदा नगर परदेसीपुरा। मैंने ठीक है जी, तो भाई अब मैं तो बोलते ही रहता हूँ, हर बार मेरे को बोलना ही पड़ता उसके खिलाफ। अभी उनने कल कहाँ पे अशोक नगर में बोला जी, तो भाई कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चुन्नू मुन्नू यहीं पे। अरे फिर तो जवाब देना ही पड़ेगा भाई, यहीं पे बोला दुष्ट ने, यहाँ पे चुन्नू मुन्नू और अपने कभी कभी राहुल गांधी जी को पप्पू बोलता है। सुन रहे भैया केलासिया, ये सज्जन वर्मा बोल रहा है, तेरी औकात कितनी है, अपने से बड़े को यूं मुंह उठा के थूकेगा तो थूक तेरे भी गिरेगा, तेरी कहानी सुन ले मेरे से, आ रही होगी लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा। क्यों भैया तू भूल गया वो दिन, साड़ी पहन के बाल बड़े बड़े करके नाग में नथनी पहन के पंडित जी हाथ में जूड़ी पहन के तंत्र मंत्र करता था, बाल बड़े बड़े कर लिए छोटी गूंद ली, अरे पाखंडी। अपनी बात भूल गया, मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा था, अब बीजेपी ने कहां उठा के फेंक दिया। वहां जादूगर भैया तो वहां उससे बड़ी जादूगरनी ममता बनर्जी बैठी हुई है। लेकिन एक बात देखना, तुमने कल नोट किया हो, इसकी नाक पकोड़े जैसी होगी, कभी देख रहा, मैं बता रहा हूं सर, मैं हर साल की बता रहा हूं, मैं कल तुम्हारे यहां इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। दशहरा जैसे जैसे पास में आता है इसका चेहरा रावण जैसा होने लगेगा, ये आप कभी नोट करना, कभी नोट करना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बहुत बारीकी से देखता हूं। जब दशहरा पास आते आते रावण के जैसा पूरा मुंह हो जाता है, है ना, आके अर्चना बहन की छोटी छोटी होकर नाक पकोड़ा ये, तो मेरा कहना है अब हम तो कितने बार जला चुके हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी अभी उनकी सरकार है वही इस